हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैं ना बालों को थोड़ा सा धुला था, इस वजह से कि 3-4 दिन हो गए थे, मैंने कहा धुल लूँ। और सर्दी जुकाम काफ़ी पकड़ के रखा, अभी तक छोड़ा नहीं है, आराम नहीं हुआ। बालों में मैं यहाँ सीरम लगा रही थी क्योंकि बाल मेरे उलझे लग रहे थे, थोड़ी से ना बाल इस टाइम ड्राई हो गए, तो मैंने कहा सीरम लगा लूँगी तो सही रहेगा। और उसके बाद मैं ना पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा लूँगी, जो कि मेरे ना चेहरे पे इस टाइम कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, दाने तुरंत निकल जा रहे हैं। तो पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाओ आप 2 टाइम, सुबह भी लगा लो अगर आपको धूप में नहीं निकलना है, और आप शाम में भी लगाओ सोते टाइम, तो बहुत अच्छा रहता है, स्किन ग्लो करती है। और यहाँ पर लिप ग्लॉस मैंने निविया का, जो कि काफ़ी अच्छा है, कलर तो नहीं करता है लेकिन उसकी खुशबू और मतलब सॉफ्ट इतना हो जाता है ना होंठ, ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने काजल लगा लिया था, तो यही था, मैंने कहा जाने से पहले इतना कर लेती हूँ, और यही सब था। मैं नहा के आई थी तो कर रही थी। अच्छा, मैं इस बार दिल्ली गई थी ना, देखो यार जहाँ भी हम जाएँ रास्ते में या कहीं भी, तो हमें कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाती है कि जो हमें याद रह जाती है। कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ लोग अकेली लड़कियों को देख के सोचते हैं कि कुछ भी उनके साथ कर लो या कुछ भी बोल लो, करेंगी क्या, लेकिन ये नहीं जानते कि अकेली लड़कियां बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं, बल्कि वो अपने फैमिली के साथ होती हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाती भी हैं, लेकिन अकेली होती है तो रिएक्ट बहुत जल्दी करती हैं। तो यही है, और हमेशा से मैं ऐसी लड़की रही हूँ स्टार्टिंग से, कि मैं ना कोई भी मेरे को बदतमीजी करता है मुझे एकदम पसंद नहीं आता। तो यहाँ मैं जब लास्ट टाइम गई थी दिल्ली, तो मैं हॉस्पिटल में गई थी और हॉस्पिटल में मैं बैठी हुई थी। तो क्या होता है कि देखो यार, अब हम बच्चे तो रहे नहीं, या फिर 16-17 साल के या 22 साल के इतने होते हैं ना, तो एक लड़का अगर कोई बोलता है तो ये होता है अरे उस लड़के ने मुझे बोला, अरे वो लड़का मुझसे बोल रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसे टाइप में होते हैं। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को मैच्योर समझती हूँ, और एक अब मैं दिल्ली में देखो रह भी गई थी, तो दिल्ली में जब मेरी शादी हुई और उससे पहले भी मैं रही हूँ, तो लड़कों से बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नॉर्मली कोई लड़का एड्रेस वो पूछ लिया, चलो ठीक है मैम हाँ ये वो, तो नॉर्मल ये चीज़ है। तो मैं एक मैच्योर लड़की हूँ और मैच्योर लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती है अगर कोई भी जेंट्स अगर बात करना चाहे, मतलब गलत बातें नहीं। जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में गए बैठे, तो वहाँ पे बैठे हो आप, अगल बगल देखो, पहले फ़र्क भी पड़ता है कि लड़के बगल में ना बैठे। अभी क्या है कि मेच्योरिटी होने से क्या है, हॉस्पिटल में गए हैं तो अगल बगल लड़के, आदमी, दादा, चाचा, काका सब बैठेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम भी जैसे पेशेंट है, वो भी वैसे ही पेशेंट है, आते हैं दिखाने के लिए, तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, तो 3 सीट वाला था, वैसे ही बैठी थी, तो एक अंकल उठे तो एक लड़का आके बैठा, और MP का था, मध्य प्रदेश का था, तो उसने ना बैठा था, तो इधर भी एक थे भाई लखनऊ के बैठे थे, गोलू मोलू से थे, तो मैं इतना केयर नहीं की कि कौन कैसा है, लेकिन जब बात होने लगी तब मैंने केयर किया। तो मैं ऐसे फाइल लेके बैठी थी चुपचाप, और अपॉइंटमेंट मेरा था 3:30 बजे का, 2:30 बज रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर पहले भी बुला लेते हैं अगर पेशेंट नहीं रहते या पेशेंट को जल्दी देख लेते। तो मैं बैठी थी तब तक वो लड़का पूछा मुझसे MP वाला कि आप कहाँ की रहने वाली हो, दिल्ली की। तो मैं क्यों डिटेल्स इतने देने जाऊँ कि मैं वहाँ से आई हूँ, यहाँ रहने वाली हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ, मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है कि अच्छा, तो कह रहा है मैं MP से, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने ना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तो बोल रहे कि आप किसको दिखा रहे हो, तो मैंने बोला डॉक्टर चित्रांशु, तो उसने बोला कि मैं सिरिन को, मैंने कहा ओके ठीक है। तो ऐसा अब ऐसे बोल पूछता था, फिर कह रहा है कि तो क्या होता है कि हम फ्री बैठे रहते हैं तो इंस्टाग्राम और YT ये सब चीज़ें थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं, तो फ्री टाइम में तो यही होता है ना। तो उसने देखा तो मुझे बोला क्या नाम है आपका, तो मैंने कहा कि
कल्याणी। तो कह रहा है कि अच्छा, तो फिर उसके बाद उसने ना इंस्टाग्राम पे गया तो वो सर्च करने लगा, तो उसको मिला नहीं। मेरी आईडी तो कल्याणी 4456 है, तो इतना इजली तो मिलेगा नहीं। तो उसने खोजा तो फिर कह रहा है आप इंस्टाग्राम पे हो। तो मेरा ना वहाँ पे दिमाग ख़राब हुआ। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, तुम पेशेंट हो, मैं पेशेंट हूँ, ये डॉक्टर को दिखा रहा है, वो डॉक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे किस नाम से हूँ, क्या है, तुमसे क्या लेना देना है? तो मैंने कहा नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो कह रहा अभी आप इंस्टाग्राम चला रही थी? तो मैंने कहा तब तो बोला कुछ नहीं, मैंने सोचा कि फ्रेंडशिप कर लूँ। तो मैंने कहा कि क्यों फ्रेंडशिप क्यों करनी है भाई, मैंने पूछ लिया। मैंने तो क्लियर एकदम रख देती हूँ, मैंने कहा फ्रेंडशिप क्यों करनी है? तो कह रहा है कि मतलब मैं भी दिखाने आता हूँ, आप भी दिखाने आते हो, तो हम कहता। तो कह रहा है कि साथ में घूम लेंगे। मैंने कहा सुनो, मैं ना फालतू जगहों पे घूमती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं काम से काम आती हूँ, काम से काम जाती हूँ, दिखाने के बाद सीधे घर से सीधे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सीधे घर, ठीक है ना। मैं इतना घूमने फिरने वाले लड़कियों में से नहीं हूँ, समझे? तो मतलब वो थोड़ा सा वो हो गया। फिर उसके ऊपर उसका नंबर आ गया, चला गया। तो बगल वाले भैया कह रहे हैं ज़बरदस्ती मतलब किए जा रहा है, ज़बरदस्ती नंबर सब कुछ लिए जा रहा है। तो मैंने कहा तो मैंने भी उनको वो नहीं किया, भैया तुम भी तो लड़के ही हो, तुम्हारा क्या? तो बोला मैं कानपुर से। मैंने कहा लो, वो चले गए तो ये शुरू होगा। तो मैंने इतना केयर ही नहीं किया। फिर उसके बाद डॉक्टर का नंबर आया, मैंने दिखाया, फिर मेरा पर्चा लगा, मैं ब्लड टेस्ट मुझे देना था। तो वहाँ पे मैं बैठी थी, तो आके ना मेरे बगल में कुर्सी पे बैठ के और उसने ना अपना पेपर ऊपर सही करने लगा। तो कह रहा आपने दिखा लिया, आपको टेस्ट करवाना है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है कि मैंने तो दिखा लिया। हम कह चलो ठीक है सब कुछ, कह रहा है हाँ ओके। तो भैया निकलो तुम, मतलब मेरा तो यही है ना, ठीक है सब, तो निकलो तुम, तुमसे क्या लेना देना मेरा? तो कह रहा है कि एक्चुअली, तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तो कह रहा है कि लिवर सिरोसिस। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपको क्या है? मैंने कहा था, मैंने बताया। तो कह रहा है कि फिर आप नंबर ऐसे बोला, तब तक मैं उठ गई, मैंने कहा मेरा नंबर आ गया, कह के मैं अंदर चली गई। उसके बाद मैं रिपोर्ट लेके आ रही थी, तो मैंने ना उसको इग्नोर किया, लेकिन उसने देख के इशारा किया कि मतलब सब ठीक है। तो मैंने बस इग्नोर कर दिया। तो उसको समझ में आ गया कि ये लड़की भाव देने वालों में से नहीं है। और मेरा ना सच में ऐसे लड़कों पे दिमाग ख़राब होता है, जहाँ पे मतलब तुम अपना काम करने आए हो, हेल्थ दिखाने आए हो, हेल्थ दिखाओ, तुमसे क्या लेना है, कौन सी लड़की कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तुमसे क्या मतलब है ना। तो उनको लगा कि ये दिल्ली आती है दिखाने और मैं भी आता हूँ तो फ्रेंडशिप हो जाए। तो मुझे यही समझ में आता है ऐसे लड़कों का कि जहाँ भी जाओ एक लड़की पटा लो। तो पता नहीं कि भाई साहब कहाँ कहाँ जाएंगे, कितनी लड़कियाँ पटाएंगे, तो ऐसे लोगों का क्या ही भरोसा ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना अच्छा होता है, तो मैंने भी वही किया, इग्नोर कर दिया एकदम। और सच में मेरा लेकिन ना दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था। और जब मैं सोचती हूँ ना, तब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि ऐसे कैसे बदतमीज़ से लड़के पड़े रहते हैं यार, उनको कोई काम नहीं रहता है, धंधा। अच्छी खासी एज थी 30, मेच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह लड़कपन करते रहते हैं। मतलब क्या है, मतलब सच बताऊँ तो ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। गुरु भक्त नहीं हो, मैं जा रही हूँ बाल तोड़ने, बाल खाने का मन कर रहा है, आ जाओ। ये देखिए पीछे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे पृथ्वी को, इस लोक को भिक्षा। मैं बाल तोड़ने आ गई थी और इसके आगे का मैंने शूट किया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने शूट करने के लिए स्टार्ट किया ही नहीं था। तो मैं यहाँ चोरी से घुस रही थी, क्योंकि सामने ना बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, पाठ हो रहा था, तो मैं चोरी से घुस रही थी। देखेंगी तो कहेंगी क्या कर रही है। और जिसने ये खेत बोया है ना, जैसे आधा उसका वो लेगी आधा हम, तो वो देखती ना तो कहती कि तोड़ डाल रही है, घर के सामने रहती थी। इसलिए मैं थोड़ा सा से झुक के चल रही थी और चोरी से मैंने एक बाल तोड़ लिया था। बाद में आके मैंने उसको अच्छे से भूजा और खाया भी। और फिर जब मैं खोजने लगी क्लिप कहाँ है, तो वो क्लिप मुझे मिली नहीं। तब मुझे याद आया शायद मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये वाला मैं देख रही थी कि हुआ है कि नहीं। अधिकतर कुछ बाल हो गए हैं, खाने लायक हो गए, तो यही है। और पता नहीं शायद बाल ने नुकसान किया, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी अच्छी बाल, ताज़ी बाल नुकसान नहीं कर सकती और कड़ी भी नहीं थी।
और एकदम से ना जैसे एकदम दूध वाली बाल कह सकते हैं उसको। तो यही था, और चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।